नारनौद में बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु ने गांव सिंघवा मदन हेड़ी सिसरपट्टी गांव का दौरा किया और इस दौरान लोगों ने वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का जोरदार स्वागत किया और बुजुर्गों ने पगड़ी पहनाकर सम्मान दिया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि नारनौद हलके के विकास के लिए मैं कई बार कोशिश कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और अब मैदान में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अमित शाह और उनके आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा का चुनाव दौरा करेंगे और अब ये हरियाणा में लहर तूफान बन चुकी है। नारनौद विधानसभा क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी में काफी परिवार जेजेपी व कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वित्त मंत्री ने विपक्ष पर उम्मीदवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार ने हमारे विकास के कामों को सराहा है। आदरणीय राम कुमार गौतम जी, उन्होंने स्वीकार किया कि एसडीएम दफ्तर में जब नामांकन दाखिल करने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद, आज यहीं पर नामांकन दाखिल हो गया। अतीत में उनके अनेकों संबोधन में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि विकास बहुत कराया है। आज जिन सड़कों पर चल करके वो 73 साल की उम्र में आराम से प्रचार कर पा रहे हैं, तो क्या उनको अपना समय याद नहीं आता जब वो टूटी फूटी सड़कों के ऊपर हल्के में जाने को विवश रहते थे? क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि उनकी सरकार जो जिसमें 10 साल उनकी भागीदारी रही कि पीने के पानी के लिए केवल 21 करोड़ रुपए खर्च हुए, अब 215 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं 5 साल में, नारनौद की जनता के लिए कुछ नहीं और अपने लिए पंचकुला में सबको मालूम है कि इस प्रकार से प्लॉट के आवंटन के मामले में क्या है, तो स्वयं के लिए ही केवल राजनीति, उसके बाद जनता उनकी राजनीति में कभी नहीं रही। वह केवल मात्र जातिवाद की राजनीति का जहर फैला करके, जातियों के आधार पर समाज को बांट करके, राजनीतिक सौदेबाजी करके ही वह केवल चुनाव लड़ते रहे। जनता उनकी सच्चाई को जान चुकी है, उनकी कलई खुल चुकी है, अब जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। कि सरकारी नौकरियों में सभी 90 हलकों में सबसे ज़्यादा जो योग्यता और मेरिट के आधार पर हमारे नारनौद हलके के नौजवानों ने साबित किया, ये ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी किसी से कम नहीं है।